ज्यादा लाख के बीच में पचास लाख का गांजा और 10 लाख के मोबाइल पकड़े। खबर उधम सिंह नगर की है, एंकर प्रीत सचदेवा। उधम सिंह नगर पुलिस के 2 मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एसओजी के माध्यम से 50 लाख जी हां 50 लाख का 45 किलो गांजा और 10 लाख के चोरी और गुम हुए 80 मोबाइल बरामद किए गए हैं। नशे की रोकथाम को लेकर चलाई गई मुहिम में 45 किलो गांजे के साथ एक युवक की भी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि नशे के विरुद्ध जिले भर में एक मुहिम को लेकर 45 किलो गांजा जिसकी कीमत लगभग 50 लाख है, जिसके साथ अभियुक्त एसओजी उधम सिंह नगर की गिरफ्त में आया है। उधम सिंह नगर को सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के मानकसली क्षेत्र से रुद्रपुर के कुछ लोग के अवैध रूप से गांजा लाकर रुद्रपुर, बिलासपुर, हल्द्वानी आदि स्थानों में बिक्री कर मोटा पैसा कमाते हैं। गिरोह का सरगना राकेश उर्फ पेंटर है, दूसरा सदस्य भोला है। इसी गिरोह का एक अन्य सदस्य तूफान शाह उर्फ विनोद अपने टेम्पो से अवैध गांजा लेकर आया था, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे में टेम्पो में रखे 2 सफेद प्लास्टिक के कट्टों में 21 बंडल में लगभग 45 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद माल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस के द्वारा 80 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 10,40,000 बताई जा रही है। एसओजी के द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के विभिन्न थानों से प्राप्त मोबाइल खोने गुमशुदा होने के संबंध में आए प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्वलाइंस फील्ड वर्क के माध्यम से एसओजी टीम रुद्रपुर काशीपुर उधम सिंह नगर द्वारा विगत माह के कुल 80 मोबाइल फोन बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 1,40,000 है।